आखिर विनोद खन्ना को उनके बड़े बेटे ने क्यों नहीं दी मुखाग्नि। विनोद खन्ना का बड़ा बेटा आखिरी वक्त में हर पल उनके साथ रहा, फिर भी छोटे बेटे ने क्यों नहीं दिया बड़े भाई को हक। क्या विनोद खन्ना के सौतेले बेटों में रिश्ता ठीक नहीं है। विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में एक बड़ी अजीब बात देखने को मिली। जब अस्पताल से विनोद खन्ना का शव उनके घर पहुंचा, तो उनके सबसे बड़े बेटे राहुल खन्ना और साक्षी खन्ना उनके साथ ही थे। देखिए स्ट्रेचर के एक तरफ साक्षी खन्ना तो दूसरी तरफ राहुल खन्ना। लेकिन इस तस्वीर को देखकर इस वक्त लगा कि जैसे इन दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल खन्ना थोड़े सकुचाए और हिचकिचाए से थे, वहीं साक्षी खन्ना ने अधिकार भाव से अपने पापा विनोद खन्ना के स्ट्रेचर को संभाल रखा था। थोड़ी देर बाद जब वर्ली में विनोद खन्ना को मुखाग्नि दी गई, तो उनके दोनों बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना आखिरी रिचुअल से दूर ही रहे। इतना ही नहीं, जब अंतिम संस्कार सम्पन्न हुआ तो अक्षय और राहुल दोनों यहाँ से एक साथ बड़ी तेजी से निकल गए। अक्षय खन्ना के चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो काफी गम में हैं। लेकिन इस गम में भी विनोद खन्ना का पूरा परिवार एक साथ एक परिवार जैसा नजर नहीं आया। आपको बता दें कि साक्षी खन्ना विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना की मां को विनोद खन्ना ने ओशो आश्रम छोड़ने के बाद ही तलाक दे दिया था। हालांकि अक्षय और राहुल के साथ विनोद खन्ना की जीते जी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, लेकिन लगता है कि विनोद के जाने के बाद खन्ना परिवार में आपसी रिश्तों की कहानी बदलने लगी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।